रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट। हमने अभी डिस्कस किया कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। एक सीरीज एलसीआर रेजोनेंस में होगा कब? व्हेन करंट थ्रू इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू। तो रेजोनेंस के ऊपर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? ऐसे प्लॉट करते हैं। करंट की वैल्यू क्या होती है सीरीज रेजोनेंस के अंदर या सीरीज एलसीआर में? ईएमएफ को जेड से डिवाइड कर दिया। जेड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है? करंट मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम का मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी। डिनोमिनेटर में अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ओमेगा इसके इक्वल आ जाता है और टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर ऐसे केस में जेड की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा और करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब मान लो रेजोनेंस हो गई। रेजोनेंस होने पे रूल नंबर वन, इंपीडेंस बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। क्यों? क्योंकि इंपीडेंस जेड किसके इक्वल रह जाती है? सिर्फ आर के। इंपीडेंस जो जेड है, जेड की वैल्यू क्या रहती है? सिर्फ आर। तो इसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस क्या हो जाती है? प्योरली रेजिस्टिव। रूल नंबर टू, करंट क्या हो जाता है सर्किट का? मैक्सिमम। डिस्कस किया रेजोनेंस पे करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तीसरा, रेजोनेंस में क्योंकि करंट मैक्सिमम हो जाता है तो पावर डिसिपेटेड भी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। नेक्स्ट रूल, रेजोनेंस में करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। ऐसा क्यों? दो रीजन है। क्योंकि रेजोनेंस पे एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है, जेड आर के इक्वल रह जाता है और आर रेजिस्टर के अंदर ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेस। एंगल फाई क्या होता है रेजिस्टर के अंदर? ओनली रेजिस्टेंस में जीरो होता है, वोल्टेज और करंट में एंगल जीरो है, तो इसके अंदर भी एंगल क्या रह जाता है? जीरो। नहीं तो ऐसे कर लो, कॉस फाई का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम किया था एलसीआर में, क्या था? आर बाय जेड, इंपीडेंस ट्रायंगल में। लेकिन रेजोनेंस कंडीशन पे जेड किसके इक्वल हो जाता है? आर के। आर और कैंसिल तो कॉस फाई क्या होगा? वन। तो फाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो वैसे ही प्रूव हो गया कि फेज एंगल क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट रूल है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। क्यों? 10 किस्म की वेव्स आ रही थी, उनमें से एक ही एक्सेप्ट हो पाई जो रेजोनेंस में थी 92.7, बाकी सब रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इनका नाम क्या बोलते हैं? सीरीज एलसीआर को एक्सेप्टर सर्किट। क्यों? व्हेन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फेड इनटू इट, इट एक्सेप्ट्स ओनली फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, वो फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल मैच करती है एंड रिजेक्ट्स अदर फ्रीक्वेंसीज, द करंट इज मैक्सिमम फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका ये टॉपिक है।